पश्चिमी मध्य प्रदेश में इन दिनों आदिवासी समाज में शादियों की धूम है। मैं इस समय झाबुआ के पिटोल गांव में हूं और यहां पर आपको मैं भील आदिवासियों की एक शादी दिखाता हूं, किस तरीके से यहां के संस्कार, कल्चर, रीति रिवाज होते हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप मेरे साथ। शादी में विधि विधान ये करे साहब, सबसे पहले हमारा रिश्ता मसूरिया में है तो सोरा सोरी नहीं देखा, सोरा सोरी परसर पड़ी, सोरी सोरो परसर पड़ी हो तो जाति पूछी के रिश्ता नहीं आ रहा हमारा, तो जाति में कोई रिश्ता नहीं आया। फिर यहाँ परिवार बात बताड़ी, बधान सहमति कि सोरा परसन कमी गया, सोरी कमी क्यों, तो हमने पाँच पसी लोग बैठ के शादी तय कर ली कि हम होली बाद शादी करेंगे। तो होली बाद का निर्णय लिया साहब, आज 13 तारीख है, तो 13 तारीख ने हमने बारात नक्की कर ली। बारात नक्की करने के बाद में बारात आज आ गई थी हमारे यहाँ, जो हमारी विधि थी अंदर भराड़ी में लाड़ी को वाने बैठाते हैं और ये ममेरा उठते हैं, यहाँ पे खुटड़ी काटते हैं, धार धरते हैं, वो भी हमने विधिवत करी। बारात हमने घर से थोड़ी दूर रखी, पानी की व्यवस्था करी, मेहमान आया इनका आव भाव करा और बारातियों का भी करा, इनको चावल भी खिलाया, खिलाने के बाद में बुलाया इनको, बुला के राजू खुशी सबका यहाँ सामने लाड़ा और लाड़ी का फेरा कर दिया। फेरा करने के बाद बारात बारात के रवाना हो गई और गांव वाले गांव के साथ रवाना हो गया। अब ये दूसरे मेहमान लोग ममेरिया है, 5-5, 7-7 लोग, इनको खिला पिला के ये भी रवाना हो जाएगा और लाड़ी को भी रवाना कर देंगे। मंडप का क्या किया? मंडप का साहब टेंट दिया ना इनको, टेंट मंडप का। अभी आपने यहाँ कोई विधि विधान किया था? विधा विधान क्या साहब, वो धार देना पड़ती साहब, जैसे खुटड़ी काट रखी लाड़ा उखेड़ी, वो हालेड़ा का जो आता ना लकड़ा, वो हमको देवी देवता में पहले गाड़ते आया बाद दा, वो भी गाड़ रहे हम आज हालेड़ा मंडवड़ा। ये धार तो देवी देवता, धार भी हो देवी देवता की है साहब, ये तो परंपरा चलती रहेगी, धार का कोई हमारी ये नहीं है। तो देखिए ये जो शादी हो रही है पिटोल के इस मोहल्ले में, तो यहाँ पर देखिए देसी भट्टे में आप देखिए दाल बनाई जा रही है। दाल आप बना रहे हैं, खोल के बताइए। ये देखिए ये दाल तैयार हो रही है, इसको चला के बताएंगे। ये देखिए दाल तैयार है, बॉईल हो रही है और दाल के साथ यहाँ देखिए बड़ी तादाद में चावल भी तैयार हैं। ये देखिए चावल तैयार हैं, एक इस खाट में तैयार हैं और दूसरा यहाँ भी एक खाट है, तो ये दाल चावल यहाँ पे खिलाए जाएंगे। तो ये सरपंच साहब पिटोल के हमारे साथ में, उनसे हम जानेंगे। सरपंच साहब यहाँ पे आओ, ये आदिवासी समाज में जो शादियाँ होती है उसमें क्या क्या खाना खिलाया जाता है? देखो साहब, आदिवासी में जो हमारे यहाँ शादियाँ होती है तो दूल्हा बारात लेके आया तो बाराती सब आए, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ मेहमान है हमारा, तो हमारा यह सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू से चलता रहा हमारा बाप दादा सबसे, कि हम आदमी बाराती आएगा इनको दाल चावल खिलाएंगे, भूखे नहीं जान देंगे, फेरा करें। अच्छा, दाल चावल के अलावा और कुछ नहीं सर? दाल चावल के अलावा और पिलाते हैं, हमारे पर यह बारात आती उस दिन हम नहीं पिलाते हैं। अच्छा, बारातियों को भी नहीं पिलाते, फिर मेहमान आएगा हग्गा एक बे 400 लोग,
इनको पिलाएंगे थोड़ा बहुत मवड़ा गाल के। अच्छा, तो ये जो है ये खाना इनको शाम को मिलेगा? ये खाना साहब अभी फेरा के पहले खिला देंगे। अच्छा। फिर दूल्हा और दुल्हन को फेरा करके रवाना कर देंगे साथ में। तो देखिए, ये खाना शादी में बनाया जा रहा था, आपने देखा तस्वीरों में। अब यहाँ बारात आ चुकी है, तो लड़की वाला पक्ष भी यहाँ पर डीजे पर डांस कर रहे हैं और बाराती पक्ष भी कर रहे हैं, तो पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज हमने पिटोल गांव से आपको बताया किस तरीके से आदिवासी भील समाज में शादी होती है, उसकी सारी प्रथा परंपराएं विधि विधान हमने आपको बताया। इस शादी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।